नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन मार्केट में सभी चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनियों का बायकॉट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी चाइनीज कंपनी लगातार अपने नए नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब इसी को देखते हुए सैमसंग कंपनी भी इंडिया में अपने नए नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, ताकि चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनियों को कड़ी टक्कर दी जा सके। तो दोस्तों, अब 2 दिन पहले ही ओप्पो कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो A11K को लॉन्च किया है, जो कि एक बढ़िया और अच्छा बजट स्मार्टफोन है। यह आपको मार्केट में 10,000 रुपए से कम कीमत में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब इसी की टक्कर में सैमसंग कंपनी ने भी अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M01 को मार्केट में उतार दिया है। दोस्तों, यह स्मार्टफोन भी आपको मार्केट में लगभग 10,000 रुपए से कम कीमत में देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी आपको दोस्तों बढ़िया अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन की कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस भी लगभग एक जैसा है, और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि आपको 10,000 रुपए से कम कीमत में इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, इनमें से किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा 10,000 रुपए तक की कीमत का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों वाटर प्रूफ नोज डिस्प्ले और ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए, तो दोस्तों ओप्पो A11K स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.22 इंच की HD TFT LCD डिस्प्ले दी है, जो की 1520x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका स्पेक रेशियो 20:9 है। वही अगर दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 5.7 इंच की इन्फिनिटी वी शेप की वाटर टॉप नोज डिस्प्ले दी है, जो कि 1560x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका स्पेक्ट रेशियो भी 19:9 है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों साइज के मामले में ओप्पो A11K स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको TFT HD पैनल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के साइजिंग मामले में ओप्पो A11K स्मार्टफोन आगे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो A11K स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर भी 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों इनका कैमरा सेटअप अलग अलग टाइप का होगा, क्योंकि दोस्तों ओप्पो A11K स्मार्टफोन के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल शेप में ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है, जबकि दोस्तों गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन के अंदर आपको वर्टिकल शेप में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक जैसा कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन आपको मार्केट में 3 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। जबकि दोस्तों बात की जाए ओप्पो A11K स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 2 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक एक वेरियंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों ओप्पो A11K स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट दिया है, और ये मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो कि कलर OS 6.1 के ऊपर काम करेगा। वहीं अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट दिया है, और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के
मामले में इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों ओप्पो A11 के स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए ओप्पो A11 के स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 4230 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 4000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों बैटरी के मामले में ओप्पो A11 के स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन के अंदर भी आपको 4000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के बारे में और आपके लिए इनमें कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगर बात की जाए ओप्पो A11 के स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में लगभग 8,990 रुपए में देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको 8,999 रुपए में मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी दोस्तों यदि आप इनमें से किसी एक स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी नजर में आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। यह आपके लिए एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन होगा और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।